नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का मन जीतने वाले रजनीकांत आज भी इंडस्ट्री में पूरी तरह से एक्टिव है। 72 साल के एक्टर ने राजनीति में भी हाथ जमा लिया है। अपने पूरे करियर में रजनीकांत ने तमाम फिल्मों में काम किया है और फैंस के दिलों पर राज भी किया है। बता दें कि एक्टर की कई एक्ट्रेस के साथ फिल्मी पर्दे पर जोड़ी बनी, लेकिन श्रीदेवी के साथ बनी जोड़ी ने कमाल ही दिखा दिया था। श्रीदेवी और रजनीकांत की जोड़ी जिस फिल्म में भी नजर आई वो फिल्म हिट ही हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि रजनीकांत के लिए श्रीदेवी ने 7 दिनों तक उपवास यानी फास्ट रखा था? आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया, चलिए बताते हैं। बता दें कि रजनीकांत और श्रीदेवी अपने जमाने में चर्चित और डिमांडिंग सितारे थे। दोनों ने ही साउथ सिनेमा में तो धमाल मचाया ही, लेकिन बॉलीवुड में भी इनकी एक्टिंग का खूब सिक्का चला। दोनों ने एक साथ करीब 25 फिल्मों में काम किया। इसमें से अधिकतर फिल्में कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा में है। फरिश्ते, चालबाज, भगवान दादा, जुल्म और गैर कानूनी ये रजनीकांत और श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्में रही हैं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान रजनीकांत ने बताया था कि जब वो साल 2011 में अपनी फिल्म राणा की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाना पड़ा था। इस बारे में जब श्रीदेवी को पता चला तो वो काफी परेशान हो गई थी। रजनीकांत की सेहत में सुधार के लिए उन्होंने शिरडी जाने का फैसला कर लिया था। शिरडी में दर्शन करने के बाद उन्होंने रजनीकांत की सेहत के लिए 7 दिन तक उपवास रखा था ताकि रजनीकांत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। श्रीदेवी की दुआ ऊपर वाले ने कबूल कर ली और रजनीकांत ने पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद हिंदुस्तान वापसी की। रजनीकांत जैसे ही घर वापस लौटे, श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के साथ उनसे मुलाकात करने पहुंची। रजनीकांत की सेहत में सुधार देख श्रीदेवी की जान में जान आई। आज श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने को स्टार के साथ उनके हमेशा अच्छे रिश्ते चर्चा में रहे हैं। आपको दोनों की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल। धन्यवाद।